सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज, मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का स्वागत। बाइक है बजाज पल्सर 150, 8000 किलोमीटर चली है। जब से इस बाइक ने कहीं पर सर्विस कराई है, आज तक भी इस बाइक के अंदर चैन लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आज हम आपको इस बाइक के अंदर चैन लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके दिखाने वाले हैं। हम यूज करेंगे डायमंड का यहाँ पर चैन लुब्रिकेंट। जो मैकेनिक भाई हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं डायमंड और रोलन का, ठीक है। 135 रुपये इसकी MRP है और इसको एक बाइक पे दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती जो है आपको नुकसान ही पहुँचा देगी। तो जो मैं आपको काम करके दिखाने वाला हूँ वो कृपया घर पे ना करें, हो सके तो एक मैकेनिक से ही कराएं तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, जो चैन होती है वो दो तरह की होती है, एक ओरिंग के साथ आती है और एक विदाउट ओरिंग के साथ। इस बाइक के अंदर जो है ओरिंग के साथ है। जो इसके अंदर रिंग डले हैं वो रबड़ के हैं और उन पर कितनी डस्ट लगी है, ठीक है। इस डस्ट को ही क्लीन करना जो है मेन काम होता है, ठीक है। और जो विदाउट ओरिंग के चैन आती है, जैसे स्प्लेंडर प्लस वगैरह में या फिर प्लेटिना वगैरह में, क्योंकि वो 100cc बाइक है, उन पे चैन कवर लगे होते हैं। ये बस इसका सबसे आसान तरीका यही है, जिस बाइक पे चैन कवर लगे हैं उसके अंदर जो चैन है वो लगभग जो है विदाउट ओरिंग की आती है। कुछ बाइक में हो सकता है ओरिंग हो, लेकिन लगभग जो है विदाउट ओरिंग की आती है। लेकिन जिस पे चैन कवर नहीं है, जैसे बजाज पल्सर पे चैन कवर नहीं है, ठीक है, या फिर ट्विस्टर पे चैन कवर नहीं है, तो या फिर जो रॉयल इनफील्ड है, बुलेट है, उस पे भी जो है चैन कवर नहीं होता, उसके अंदर जो चैन आती है वो ओरिंग के साथ आती है ऐसे, ठीक है। अब इसको क्लीनिंग की बात पर ध्यान दीजिएगा। जो विदाउट ओरिंग के है, स्प्लेंडर प्लेटिना वगैरह की जो चैन है, उसको हम पेट्रोल से साफ कर सकते हैं, ऐसा आप सर्विस सेंटर में देख भी चुके होंगे। लेकिन ये जो चैन होते हैं जिसके अंदर रिंग डले होते हैं, उसको पेट्रोल से बिल्कुल भी साफ ना करें, ठीक है। यदि हम इसको पेट्रोल से साफ करेंगे, जो ओरिंग इसके अंदर डले हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे। फूलने के कारण जो है जब बाइक चलेगी तो वो कट जाएंगे, ठीक है, और आपकी जो चैन है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें, आप डीजल का इस्तेमाल करें या फिर इसका स्पेशल क्लीनर आता है, WD-40 के नाम से भी आता है, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। कुछ और भी क्लीनर आते हैं तो उनसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। यदि आपको सस्ते में काम चलाना है तो डीजल का इस्तेमाल करें। पहले चैन को फ्रंट से साफ करें और फिर रियर से इसको इस तरह से आप क्लीन करें। यही एक थोड़ा सा पॉइंट था, आप यहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल इस चैन में बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको इस चैन के अंदर जितनी भी डस्ट है, देखिए कुछ लोग जो है कपड़े से साफ करते हैं, क्लीनर मार के कपड़े से साफ करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर वाला हिस्सा होता है, जो जहाँ पर चैन के अंदर बैरिंग डले होते हैं, वहाँ पर डस्ट जो है वो नहीं निकलता। उसका एक ही तरीका है, पानी के साथ, ठीक है। जैसे हमने इस पर डीजल मारा, डीजल मारने के बाद हम इस पर यहाँ पर पानी मारेंगे। जब पानी का प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है तो जितना भी डस्ट यहाँ पर होगा, जितना भी रेत होगा, में सबसे जरूरी है रेत, रेत ही चैन को काटता है और इसके रिंग को काटता है। जितना भी रेत यहाँ पर होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। यदि आप कपड़े से क्लीन करेंगे तो कपड़े से जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं होगा, उसके बीच वाले हिस्से में जो है रेत ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये काम आप एक मैकेनिक से ही कराएं, और जब आप फ्रंट में पानी का स्प्रे कर दें उसके बाद जो है इसको पीछे की साइड से भी इस तरह से स्प्रे करें, ताकि जितना भी इसमें रेत है, मिट्टी है, वो सारी बाहर निकल जाए। जब ये काम आप कर लें तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चैन को जो है आपको ड्राई करना है। देख सकते हैं चैन वैसे तो सूख चुकी है 10 मिनट के बाद, लेकिन फिर भी इसके अंदर पानी रह जाता है। अब उस पानी को कैसे आप निकाल सकते हैं, बाइक को जो है आपको स्टार्ट करना है। दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, दो तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि हर मैकेनिक के पास कंप्रेसर वगैरह नहीं होता इसलिए। तो आप बाइक को थर्ड फोर्थ गियर कोचे में भी डाल दीजिए और एक्सीलेटर पूरी दीजिए। जब आप पूरी एक्सीलेटर देंगे तो इस चैन के अंदर जो रोलर बैरिंग है उनके अंदर जितना भी पानी है वो स्पीड में जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए हम इसको एक्सीलेट करते हैं, पूरी तरह से रेस देंगे तो देख सकते हैं जो पानी जो है वो पूरी तरह से जो है चैन के अंदर से निकलना स्टार्ट हो चुका है। यदि दोस्तों आपके पास ये तरीका तभी आजमाएं जब आपके पास जो है एयर कंप्रेसर वगैरह ना हो, क्योंकि हर मैकेनिक के पास जो है एयर कंप्रेसर नहीं होता, ठीक है। यदि आप इससे भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप एयर गन का इस्तेमाल करें। देखिए हमने इसको पानी तो यहाँ से निकाल दिया, लेकिन फिर भी जो मॉइस्चर वगैरह है उसको हमें यहाँ से साफ़ करना है इसके ऊपर से, तो हम यहाँ पर एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर का इस्तेमाल करने से यहाँ पर जितना भी मॉइस्चर वगैरह यहाँ पर होगा वो साफ हो जाएगा। आप पहले देख सकते कितनी डस्ट लगी हुई थी, अब हमने जैसे इसको क्लीन किया और स्प्रे इस पर पानी का किया तो देख सकते हैं कितनी शाइनिंग मार रहे हैं वो रिंग, ठीक है। यही जो है सबसे ज़रूरी काम होता है एक मैकेनिक का, इस तरह से आप उसको
जो है चैन को क्लीन कर दें। अब इसको लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट पर यहाँ पर जो मिस्त्री भाई हैं वो डायमंड और रोलन का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इंडिया के अंदर जो 19% बाइक हैं उनके अंदर जो चैन डाली होती है ना, वो कौन सी कंपनी बनाती है? वो बनाती है डायमंड और रोलन। तो अब जो कंपनी इतने वर्षों से चैन का काम कर रही है, स्पेशल चैन को ही बना रही है, तो आप समझ सकते हैं उनको कितना एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा लुब्रिकेंट, कैसा लुब्रिकेंट इसके अंदर बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं इस पर आर की मोहर लगी है चैन पे, तो वो रोलन का चैन सेट इसके अंदर डला है। जो चैन है वो रोलन की डली है, ठीक है। अब हम इस पर डायमंड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डायमंड और रोलन को पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है कैसा चैन लुब्रिकेंट जो है बाइक के लिए बेस्ट होता है। तो अब हम इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको पाइप को कनेक्ट करें और अब जो है इसको यूज करने से पहले आपको बाइक को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ये काम आप घर पे न करें तो आपके लिए बेहतर, आप फर्स्ट गियर में डाल के ये काम करें ताकि जो व्हील के राउंड है वो थोड़े से कम रहें, और इसको एक बार इस तरह से ज़रूर हिला लें, ठीक है, ताकि ये जो केमिकल है वो पूरी तरह से आपसे मिल जाए जो उसके अंदर केमिकल डले हुए हैं। और उसके बाद जो है कभी भी यहाँ पे लुब्रिकेंट ना करें चैन का, क्या एक तो आपकी उंगली यहाँ पे आ सकती है और आपका जो व्हील है जो आपने वॉशिंग किया है वो वेस्ट जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा देखिए इतनी दूरी से टायर का जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ से जो है आपको स्प्रे करना है। अब इसका फ़ायदा ये है आपका जो व्हील है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और जब तक के पूरी तरह से गीली न हो जाए चैन तब तक उस पर इस तरह से स्प्रे करें। और फिर साइड से अब देखिए साइड में जो इसके लिंक है उन पे जंग लगा हुआ था, ठीक है। अब अगली बार जो है ये जंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इस पे चेन लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया है। फिर बारी आती है पीछे से, जब आपने इसको आगे से लुब्रिकेंट कर दिया फिर करते हैं पीछे से। थोड़ा सा यहाँ दूरी बनाएं और दूरी बनाने के बाद जो है इस तरह से स्प्रे करें तिरछी दिशा में, ताकि जो यहाँ से छींटे जो हैं इस लुब्रिकेंट के गिर रहे हैं वो व्हील पे ना गिरें। आप देख सकते हैं व्हील के ऊपर बिल्कुल भी स्प्रे का असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप चैन को पूरी तरह से लुब्रिकेंट कर दें। तो गाइज अब सबसे ज़रूरी बात देखिए, आपने लुब्रिकेंट जब भी चैन को करना है, जब लुब्रिकेंट कंप्लीट हो जाए तो कम से कम आपको 20 मिनट रुकना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी बाइक को ऐसा नहीं है कि आपने लुब्रिकेंट किया और बाइक को लेकर चल दिए, वरना इसके अंदर जो है वो ना जो रेत है ना वो फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब तक ये थोड़ा सा 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें, ठीक है, ये थोड़ा सूख जाएगा और उसके बाद जो है आप बाइक को चला सकते हैं। तो गाइस इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।